हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज 8 अप्रैल 2018 को यूपीपीसीएस द्वारा आरओएआरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अभी दो शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होना है। अभी जीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है और अभी हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लगभग 2 घंटे बाद उसका भी प्रश्न पत्र आ जाएगा। तो यहाँ मैंने अभी पेपर के सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने कुछ आंसर्स दिए हैं आपको और 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आपको हर क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दे दूंगी। और अभी मैंने आपको हिस्ट्री के आंसर यहाँ पे दिए हैं, आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटों में मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सेट बी का पेपर है। ये सेट बी है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, हमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से हमें मैच करना है। यहाँ पे है ए लकुलिश, फिर बी है नागार्जुन, सी है भद्रबाहु और डी है गोसाल। हमें ये इसमें मैच करना है कि ये सभी किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं, लकुलिश जो है वो पाशुपत सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और नागार्जुन शून्यवाद से है, भद्रबाहु ने जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, उनमें से एक जो भद्रबाहु थे और दूसरे स्थूल भद्र थे, उन संप्रदायों के ये दोनों मुख्य थे, प्रमुख थे। फिर है गोसाल थे आपके आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल एक पाल वंश का शासक था और काफ़ी महान शासक था ये, त्रिपक्षीय युद्ध में भी इसने भाग लिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल नामक शासक ने की थी। फिर अगला आते हैं, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित करना है। इसमें मतलब पहले कौन सा शासक आया, फिर उसके बाद मतलब काल क्रमानुसार इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा ए। ये देखिए जो ब्लैक से आपको मार्क दिख रहा है, ये आंसर है, जो आपको ब्लैक पेन से इसमें टिक दिख रहा है वो आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, इसमें ए आंसर है। तो सबसे पहले यशोवर्मा आया, यशोवर्मा के बाद धंगदेव के बाद विद्याधर के बाद कीर्ति वर्मा, मतलब आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। सेट बी है ये, इसमें थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, 3, 2, 1, 4। फिर अगला आते हैं फोर्थ नंबर, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो जो आपका फोर्थ आंसर है ये हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा सी, मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदिवरा। फिर आते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ क्या है, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 1,11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया? बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, गोपालगंज। इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का आंसर है आपका बी, गोपालगंज। फिर सिक्स्थ में आते हैं, इसमें हमें जो सही सुमेलित नहीं है उसमें हमें टिक करना है। देखते हैं नासिक अभिलेख किसका है? गौतमीपुत्र शतकर्णी का है, गौतमीपुत्र का है ये। फिर बी है हाथी गुम्फा, ये खारवेल का है, ये भी सही है। फिर सी है भीतरी, ये पुलकेशिन द्वितीय इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसका असली आंसर, इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है और चौथा इसमें दिया हुआ है गिरनार। मतलब ए बी और डी सही हैं और सी आपका भीतरी पुलकेशिन द्वितीय सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। फिर हम आते हैं सेवन्थ में, सेवन्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट है इब्न बतूता दोस्तों, ये मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, तो ये सही है। फिर मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये भारत आया था। फिर अगला है अब्दुल रज्जाक दोस्तों, इसमें दिया हुआ है तुर्की, लेकिन अब्दुल रज्जाक फारस से आया था। फिर लास्ट है नूनिस,
ये है पुर्तगाल, ये भी सही है। मतलब आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, सी सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं बल्कि फारस का यात्री था। ठीक है, अब अगला आते हैं, आठवां है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ घटनाएं दी हुई हैं, इसे आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सेकंड है अफगानपुर षड्यंत्र। थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। एंड लास्ट है तराइन का युद्ध। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका एट्थ का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब सबसे पहले तराइन का युद्ध आपने पढ़ा होगा, 1192 में हुआ था। फिर उसके बाद होगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। फिर उसके बाद होगा अफगानपुर षड्यंत्र। एंड लास्ट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। ओके, तो एट्थ का आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर हम आते हैं नाइन्थ में, इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन और सॉरी नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन को कहा जाता है। यहाँ पे ब्लैक पेन से जो टिक किया है ये सही नहीं है, ये आप डी जो ब्लैक मार्कर से है वो आप देखेंगे। यहाँ पे नाइन्थ का आंसर हो जाएगा डी नंबर, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को क्या कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। फिर हम आते हैं टेंथ में, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? इसका आंसर हो जाएगा बाबर, बी नंबर। देखिए आप बी देखिए, बाबर, वहाँ पे ब्लैक मार्कर लगा हुआ है, इसका टेंथ का हो जाएगा बी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इलेवेंथ में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय देखते हैं। ए है इसमें दिया हुआ है त्रिपिटक, बी दिया हुआ है बुद्ध धम्म एवं संघ, सी दिया हुआ है सील समाधि संघ, और डी दिया हुआ है सत्य अहिंसा और करुणा। तो इलेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपका बी, बुद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक तो कोई और, अभिधम्म पिटक श्रुति पिटक ये नहीं होगा, इसलिए इलेवेंथ का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुद्ध धम्म संघ। फिर हम आते हैं ट्वेल्थ में, बारवा क्या है, इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, और दूसरे साइड वहाँ से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड आपको शासक दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर है इसका बी, ट्वेल्थ का बी। रणथंभौर का हो जाएगा राजा राय रामचंद्र, सॉरी रणथंभौर का हो जाएगा कर्णदेव, और फिर चित्तौड़ का हो जाएगा राणा रतन सिंह। अभी मूवी आई थी पद्मावती, उससे आप इसको कर सकते थे। और सी देवगिरी का हो जाएगा हमीर देव, एंड गुजरात का हो जाएगा राजा राय रामचंद्र। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, 13 में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। 13th क्वेश्चन है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था। इसमें ऑप्शन है ए एफ जी स्लाई, बी डीजे रीड, सी अनुग्रह नारायण, एंड डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एफ जी स्लाई। फिर हम आते हैं 14th में, इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें हमें घटनाओं पर विचार करते हुए इसे हमें काल उचित काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मतलब पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, तो काल क्रमानुसार हमको व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या है, गांधी इरविन समझौता। सेकेंड है सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय। थर्ड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फोर्थ है नेहरू रिपोर्ट। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, डी नंबर। 14th का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब पहले नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, फिर थर्ड हो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, और 1932 में ही सांप्रदायिक पंचाट मतलब सांप्रदायिक निर्णय हुआ। लेकिन इनकी जो डेट थी, सांप्रदायिक पंचाट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट में डिफरेंस था, इसलिए पहले क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और फिर क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचाट हुआ। ठीक है, तो 14th का आंसर हो जाएगा डी। फिर 15 में आते हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास, मतलब चितरंजन दास। ठीक है, तो आपका 15th का आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर आते हैं 16 में, 16 में हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। एक साइड विद्रोह दिए हुए हैं और एक साइड वर्ष दिए हुए हैं, मतलब ये विद्रोह किस वर्ष हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर,
ए देखिए अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ठीक है, चलिए इसका मतलब 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर हम 17 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। ये जो विभाग था यह कृषि से संबंधित विभाग था। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। फिर 18 का ऑपरेशन रूबीकॉन, ये क्वेश्चन मुझे अभी नहीं मिल पाया है, तो मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं इसे जल्दी ही आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं इसे क्विट करती हूँ। हम आते हैं 19 में, 19 क्वेश्चन है, इसे भी हमें काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित करना है। तो सॉरी, इसका इसमें क्या दिया हुआ है? अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट, फिर उसके बाद पूना समझौता, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर उसके बाद 1940 में हुआ है अगस्त प्रस्ताव। तो 19th का आंसर हो जाएगा बी। फिर है 20, 20 में क्या करना है? इसमें भी हमें यह देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। ए है स्थायी स्वशासन, और इसमें दिया हुआ है लॉर्ड लिटन, लेकिन स्थायी स्वशासन की व्यवस्था तो लॉर्ड रिपन द्वारा लाई गई थी, मतलब आपका ए सही नहीं है। बी भी देख लेते हैं, सहायक संधि लॉर्ड विलेज अली, सबने सुनी होगी, बहुत इजी है। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी, राज्य अपहरण या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, राज्य अपहरण हड़प नीति भी कहते हैं इसे हमें। फिर है लास्ट है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मतलब स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन ने नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन ने दिया था। फिर 21 में आते हैं, इसमें भी हमें सही सुमेलित करना है, सूची वन को सूची टू से हमें सही सुमेलित करना है। देखते हैं समाचार दर्पण, समाचार दर्पण किसका है? जेसी मॉर्शमैन का है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है, केसरी बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक का है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। तो अगर इस तरह से देखें तो सही आंसर है इसका डी, 21 का सही आंसर होगा डी। ठीक है, फिर हम अगला चलते हैं, अगला है 22 में, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ से? कूका आंदोलन की नींव ऑब्वियसली सभी को पता होगा, पंजाब से पड़ी थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। फिर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ठीक है, तो मेजर जनरल शहनवाज खां ये जुड़े हुए थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल ये भी जुड़े हुए थे, अगला है कर्नल शौकत अली मलिक ये भी जुड़े थे, एंड लास्ट है मेजर करतार सिंह। ठीक है, मेजर करतार सिंह ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे, मतलब 23 का आंसर होगा डी, ये सेट बी के आंसर है। ओके, तो आप अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन को देख के भी मिला सकते हैं, और ये मैंने अभी 23 तक क्वेश्चन बताए हैं आपको, और अगली वीडियो में मैं आपको सारे पूरे पेपर 140 नंबर का जो सॉरी 140 जो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और अगली वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके जल्दी हाजिर होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।